हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस। सो टारगेट आईएएस 2021 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इस सेशंस के अंदर अपने करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं और वो करंट अफेयर्स आपके रहेंगे मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के। ये सारे करंट अफेयर्स हमने मोर देन वन ईयर के 70 डेज के अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। ये करंट अफेयर्स के अंदर हम लोग प्रिलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कौन सा प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह रहा है और कौन सा मेंस पर्सपेक्टिव से आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर है? अभी तक के हमने ये करंट अफेयर्स के अंदर 6 लेक्चर्स लगा चुके हैं, जिसके अंदर हमने मार्च के लेक्चर्स को देख लिया है और एक लेक्चर अभी तक का हमारा अप्रैल के ऊपर लगा है बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, 7th लेक्चर जो हमारा है, वो अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के ऊपर ही रहने वाला है। क्लियर है फ्रेंड्स? एक चीज आप ये बात याद रखिए, ये सेशंस लगाने के बाद आपके जो करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम्स आती है ना, वो काफी हद तक आपकी कम हो जाएंगी। तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से यूपीएससी के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको प्रेडिक्शंस पता लग जाएंगे कि ये वाला जो न्यूज रहता है उसके अंदर क्या प्रीलिम्स में पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं और जो न्यूज है उसमें से क्या मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता। क्लियर है? तो आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं, हमारा लेक्चर 7th बेस्ड ऑन द अप्रैल 2020 करंट अफेयर्स। क्लियर है? जैसा कि आप सभी लोग मुझे जानते ही हैं, मायसेल्फ कर्म अग्रवाल, करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु आईएएस। लीजिए, हमारी आज की सबसे पहली न्यूज रहती आईएमडी। आप सभी को पता है सर, आईएमडी का मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। अगर बात करें ये न्यूज की, ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर द जनरल स्टडीज 1, जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। ये काफी शॉर्ट न्यूज रहती है, पढ़ लेते इसको। कहते द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज ऑब्जर्व दैट इंडिया विल लाइकली हैव अ नॉर्मल मॉनसून विद अ चांस ऑफ अबव नॉर्मल रेन। कि एक तो भारत इस बार नॉर्मल मॉनसून देख पाएगा, इवन उसके बाद एक चांस रहेगा कि नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो जाए इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर 2020। सेकेंड पॉइंट बोलते हैं कि द फर्स्ट वन इन अप्रैल एंड द सेकेंड वन इन द लास्ट वीक ऑफ मे, विच इज अ मोर डिटेन्ड फॉरकास्ट एंड ऑल्सो इलस्ट्रेट्स हाउ द मॉनसून विल स्प्रेड ओवर द कंट्री। क्लियर है? एक तो आपको फर्स्ट अप्रैल को मिल जाएगी, अप्रैल के फर्स्ट मंथ में, और सेकेंड आपको रेनफॉल मिलेगी द लास्ट वीक ऑफ मे। ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जून से सितंबर के बीच में जो बारिश आपको देखने को मिलेगी वो 75% ऑफ द कंट्रीज एनुअल रेनफॉल है। ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखना कि द जून एंड सितंबर, कि जून से सितंबर के बीच में, ये मंथ्स के बीच में जो टाइम पीरियड है, यहां पे हमें 75% रेनफॉल मिल जाएगी। मतलब ये एनुअल रेनफॉल कितनी, 75% इन मंथ्स के बीच में, इन बिटवीन। ये नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि द इंडियन ओशन डायपोल अ टेम्परेचर एनोमली इन द ओशंस दैट कैन इंक्रीज मॉनसून रेन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। बिल्कुल ठीक है, एक्सपेक्ट कितना होगा सर, एक्सपेक्टेड टू बी अ न्यूट्रल स्टेट ड्यूरिंग द मॉनसून। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिकल मॉडल देयर इज अ 41% फॉरकास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉर्मल मॉनसून। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारी नेक्स्ट न्यूज आज की देखते हैं। ये काफी शॉर्ट न्यूज थी। नेक्स्ट हमारी न्यूज आती है कि एनजीओस टू अपडेट ऑन द कोविड-19 फाइट एवरी मंथ। कि हर एक एनजीओ को अब अपडेट देना होगा बेस्ड ऑन द कोविड-19। क्लियर है? तो ये आपकी न्यूज इंपॉर्टेंट रहने वाली है जीएस पेपर 2 के लिए, जनरल स्टडीज 2 के लिए आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी कि एनजीओस को अपना अपडेट देना है। क्लियर है? देखिए थोड़ा सा इसके बारे में। कहते द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज आस्क्ड ऑल द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओस विद फॉरेन कंट्रीब्यूशन लाइसेंस टू अपडेट द गवर्नमेंट ऑन देयर एफर्ट्स टुवर्ड कंटेनिंग द कोविड-19 आउटब्रेक एवरी मंथ। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं। कहते द एनजीओस रिसीव द फंड्स फ्रॉम द ओवरसीज अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको हमने बोला FCRA। कंसेप्ट देखिएगा, कहते एनजीओस आल्सो रिसीव द फंड फ्रॉम द अब्रॉड इफ दे आर रजिस्टर्ड अंडर द, अगर इन लोगों ने रजिस्टर किया हुआ अंडर द होम मिनिस्ट्री
under the foreign contribution regulation एक्ट, जिसको भी हमने पढ़ा है FCRA, और ये कब बना था? इन 2010. क्लियर है? हैव टू रिपोर्ट देयर कोविड 19 रिलेटेड एक्टिविटीज बाय द 15th ऑफ एवरी मंथ. हर महीने की 15 तारीख को हमने ये अपडेट देना है भारत सरकार को. बस हमने ये चीज आपको बताई है. स्टूडेंट्स, ये चीज को अंडरलाइन कर लो, नोट कर लीजिए. एड ऑन डाटा, वैसे यहाँ पे मेंशन भी है कि अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन से फंडिंग एक्सेप्ट कर रही है, वो एक्सेप्ट किसके, कौन से एक्ट के अंडर करती है? वो एक्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA 2010. ये किसके अंडर आता है? अंडर द होम मिनिस्ट्री. क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं आगे. अब ये बोलते हैं द रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस फ्रॉम द एनजीओस कम आफ्टर अ कंसर्टेड गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन द सोशल सेक्टर विच लीड टू द सिग्निफिकेंट फॉल इन ओवरसीज फंडिंग फॉर द एनजीओस. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ये चीज को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना प्रीलिम्स के लिए, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट. प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सेकेंड एंड थर्ड वन. क्लियर? अब ये क्या बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कहते हैं वर्ल्ड वाइड द टर्म एनजीओ इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बॉडी दैट इज नाइदर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नॉर अ कन्वेंशनल फॉर द प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये हमने पढ़ा है यहाँ पे कि एक तो एनजीओ भारत की, सॉरी, कोई भी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होती है क्योंकि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. इवन नॉर अ कन्वेंशन फॉर द प्रॉफिट बिजनेस, और ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. क्लियर? एनजीओस आर ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स, एक ऑर्डिनरी सिटीजन के ग्रुप से मिलकर यह बनता है, दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज. वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? फॉर एग्जाम्पल चैरिटेबल, ठीक है, सोशली, पॉलिटिकली, रिलीजियस और अदर इंटरेस्ट, इन सभी के अंदर हम लोग एनजीओस बना सकते हैं, या फिर ऐसा बोल दो कि बनी हुई है अभी तक की. NGOs are helpful in implementing government schemes at the grassroots. Grassroot का मतलब क्या है? कि बहुत नीचे स्तर से हम लोग अगर कोई भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहे, वो स्कीम जो भारत सरकार ने लॉन्च कर दी है, तो अगर ग्रासरूट बहुत नीचे से शुरू करना है तो NGOs हमें हेल्प करती हैं. क्लियर? तो आप लोग ये भी बोल सकते हो कि NGOs also played the good role इन गवर्नेंस. मैं तो ये भी बोल सकता हूं ना, ठीक. ये वाला पॉइंट आप लोग मेंस पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए. आपको नॉलेज होना चाहिए कि ग्रास रूट से ही आपकी एनजीओस काम करना शुरू कर रहे थे, भारत सरकार के लिए बहुत मददगार रही है एनजीओस. ठीक है? क्या बोला गया यहां पे? कहते इन इंडिया एनजीओस कैन बी रजिस्टर्ड अंडर, अब जो भी भारत के अंदर एनजीओस हैं वो रजिस्टर की गई हैं अंडर अ प्लेथोरा ऑफ एक्ट. वो कौन सा एक्ट है? इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा एक्ट है जिसके अधीन एनजीओ ने अपने आप को रजिस्टर करवाया. वो है इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में. और एक आता है रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट. रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट हुआ 1863 में. और एक आया इंडियन ट्रस्ट एक्ट. ये तीन एक्ट आ गए. एक आ गया सबसे पहला इंडियन सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट 1860, फिर आता है रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863, देन आता है अपने पास इंडियन ट्रस्ट एक्ट. क्लियर है? अच्छा, इवन मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं. अभी हमने किया है जस्ट एक मिनट पहले. सर वो कौन सा था स्टूडेंट्स? वो था FCRA. स्टूडेंट्स ये है FCRA एक्ट, मतलब फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. इसी एक्ट के अंडर आपकी एनजीओस क्या करती हैं? फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट कर सकती हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट चलते हैं. कहते इंडिया हैज पॉसिबली द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव एनजीओस इन द वर्ल्ड. भारत में सबसे ज्यादा एनजीओस बनी हुई हैं. अगर वर्ल्ड की कंपैरिजन की बात करें, अ स्टडी कमीशनड बाय द गवर्नमेंट पुट द नंबर ऑफ एनजीओस इन 2009 एट 33 लाख. 2009 में जो सर्वे किया गया कि बाय द गवर्नमेंट पुट द नंबर ऑफ एनजीओस इन 2009 एट 33 लाख तक था.
इवन हमारे एनजीओज ने पैंडमिक के दौरान बहुत ज्यादा मददगार रही हैं। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कई ज्यादा एक्टिविटीज में अपना योगदान दिया इन द मीन टाइम ऑफ पैंडमिक। क्लियर है? कहते दैट वॉज वन एनजीओ फॉर लेस देन 400 इंडियंस एंड मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स एंड द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। कोई डाउट तो नहीं है आपको? अब स्टूडेंट्स एक बात फिर से रिकॉल बोल देता हूं, अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आप लोग। क्लियर? आगे चलते हैं। अब अपनी नेक्स्ट न्यूज आती है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की। मैं आपको एक चीज पहले ये बता देता हूं, ये आपके लिए जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। अब सबसे पहला कंसेप्ट ये सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की न्यूज आई क्यों, ये कारण क्या रहता है? अब एक ह्यूमन क्या रहता है, इंडियन सिटीजन है, इंसान ने क्या किया, फिजिकल गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी थी। तो उस चीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च की, ताकि हम लोग फिजिकल गोल्ड के अंदर कम इन्वेस्टमेंट करके जो भारत सरकार ने गोल्ड बॉन्ड स्कीम इश्यूज किए हम लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें। तो ये क्यों है, हम लोग इसी के ऊपर आज डिटेल डिस्कस करते हैं। लीजिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, कहते द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने कंसल्ट किया आरबीआई से, हैज डिसाइडेड। तो इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि भारत सरकार सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इशू करेगी इन 6 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट्स में। कब से कब तक? फ्रॉम अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक। क्लियर? सेकंड पॉइंट में बोला गया दिस सीरीज ऑफ गवर्नमेंट रन गोल्ड बॉन्ड, मतलब क्या, द सॉवरन गोल्ड बॉन्ड 2020 से 21 स्कीम कम्स एट अ टाइम व्हेन द रैपिड स्प्रेड ऑफ deadly COVID-19 has disturbed the financial market around the globe but increased the appeal of the yellow metal as a safe haven. kya bol diya yahan pe, but increased the appeal of yellow metal, matlab sone ki jo keemte thi uske liye to ye prabhavit ho gaye na ki safe haven hai, ki is cheez pe investment agar kar denge to future mein jo economy mein up down jayenge to human being wahan pe safe rahega agar gold mein investment kiya hoga। ठीक है ना? कहते सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जब भारत सरकार के द्वारा वैसे नहीं हो पाएगा, आरबीआई करती है इशू ऑन द रिकमेंडेशंस बोल सकते हो गवर्नमेंट के लिए। ठीक है ना? दे आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भारत सरकार की सिक्योरिटी है, डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। कहने का मतलब क्या है कि सिक्योरिटी कौन दे रहा है, सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, किसके अंदर, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड के अंदर। ठीक? कहते दे आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड, तो ये एक सब्स्टिट्यूट हो गया ना, ताकि आप लोग फिजिकली गोल्ड को होल्ड ना कर पाओ। ठीक है? कहते द सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन नवंबर 2015, 2015 में नवंबर में ये शुरू की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन मुद्दा क्या था? देखो हर एक स्कीम को, कोई भी न्यूज को अगर आ चुकी है उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहेगा, वो क्या कारण है ये बोलते हैं। कहते इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस डिमांड फॉर द फिजिकल गोल्ड एंड शिफ्ट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक सेविंग्स। क्लियर यहां तक स्टूडेंट्स? ये है क्या, अगर देखा जाए कि सॉवरन गोल्ड बॉन्ड बेसिकली एक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिनोमिनेट इन ग्राम्स, यहां पे लिखा ही हुआ है कि ग्राम्स में डिनोमिनेट किया गया था, टू रिड्यूस, क्यों चलाई गई, टू रिड्यूस द फिजिकल गोल्ड एंड शिफ्ट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक सेविंग्स। ये आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों चलाई गई और क्या मेन ऑब्जेक्टिव था और कब चलाई गई। ये तीन पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई ने इशू किया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, हालांकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, नवंबर में लॉन्च किया गया, लॉन्च इसलिए किया गया ताकि जो हम लोग फिजिकल गोल्ड को परचेज कर रहे हैं उसको शिफ्ट कर पाए। ठीक है ना? क्यों कर पाए, ताकि जो हमारी सेविंग्स हैं वो बची रहे, जो पैसा है वो बाहर ना जा पाए भारत से। ठीक है ना? चले आगे। कहते अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ चांस टू गेन फ्रॉम द राइज इन द गोल्ड प्राइसेस एट द टाइम ऑफ रिडक्शंस, मतलब कैपिटल गेन, द इन्वेस्टर गेट्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या रहता है,
आपने 1 मिनट, आपने गोल्ड परचेज कर लिया एक्स वाई जेड प्राइसेस पे, ठीक है ना। अब ये गोल्ड के प्राइसेस सपोज करिए अगर इंक्रीज हो गए तो आपका बेनिफिट, अगर सपोज कीजिए एक्स वाई जेड के प्राइसेस डिक्लाइन कर गए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो रहा है। बट सोवरन गोल्ड बॉन्ड के अंदर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कि आपको इतना प्रतिशत का ब्याज आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये फिक्स हो जाता है यहाँ पे ऑन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द फंड। और पूरे फंड तक, मतलब जितना भी आपने टेन्योर ले लिया ना तब तक ही आपको इंटरेस्ट मिल देगा ही मिलेगा। बट इसका बस एक ही ड्रॉबैक रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमने 1 मिनट यहाँ पे हमने मेंशन किया टेन्योर। बट आप लोग जब फिजिकल गोल्ड लेते हो ना तब आप कभी भी उसको सेल आउट कर सकते हो तो आपको डायरेक्टली कैश मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या रहता है, आप लोग एकदम से इसको सेल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स टेन्योर के लिए हम लोग परचेज करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट में कि द सोवरन गोल्ड बॉन्ड हैव अ टेन्योर ऑफ 8 ईयर्स, की 8 साल के लिए हम लोग इसको परचेज कर सकते हैं। विद एग्जिट ऑपरेशंस आर अवेलेबल फ्रॉम द 5th ईयर, कहने का अब इंपॉर्टेंट आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से कि हम लोग अगर टेन्योर लेते हैं, सपोज कीजिए अब ये वाला सोवरन गोल्ड बॉन्ड मैंने परचेज कर लिया भारत सरकार से 8 साल के लिए, मैंने 8 ईयर्स के लिए टेन्योर ले लिया। बट अगर मैं इसको सेल करना चाहूंगा ड्यू टू एनी रीजंस कि मुझे फंड्स की जरूरत है तो मैं आफ्टर 5 ईयर्स मैं इसको सेल कर पाऊंगा, उससे पहले मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। बस आप लोग इसको यही ड्रॉबैक बोल सकते हो, यहां पे इसका ड्रॉबैक रहता है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कहते द बॉन्ड्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर सेल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट को नहीं परचेज सेल कर सकते, यूनिवर्सिटीज को नहीं कर सकते, एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट। ये प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम लोग किस किस को सेल नहीं कर सकते, कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, ठीक है ना, कि बांध दिया गया है सर हमें तो यहां पे, ठीक है। स्टूडेंट आगे चलें, सोवरन गोल्ड बॉन्ड पे ही कहते इन्वेस्टर्स कैन बाय दीज बॉन्ड्स थ्रू डेजिग्नेटेड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। हम लोग ऐसा नहीं कि कहीं मर्जी से इसको परचेज कर सकते हैं, एक डेजिग्नेटेड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से हम लोग परचेज कर सकते हैं, एक्सेप्ट स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं 1 मिनट, एक्सेप्ट किससे नहीं कर सकते, एक तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से नहीं कर सकते आप लोग, एंड पेमेंट बैंक से आप लोग इसको परचेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कहते स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहां से भी परचेज कर सकते हो आप लोग, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले किया है सेल के लिए सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स में, ठीक। कहते वन कैन ऑल्सो बाय दीज बॉन्ड्स थ्रू द NS नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब क्या होगा, NSE से ले सकते हैं और BSE से भी हम लोग ले सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी ले सकते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से भी हम लोग इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाले, ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है कि कहां कहां पे हम लोग इसको परचेज कर सकते हैं सोवरन गोल्ड बॉन्ड को। अब इन्वेस्टर की बात करते हैं, इट इज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन गोल्ड फॉर द पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड वन ऑफ द बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द गोल्ड। बेटर वे बताया गया है अगर गोल्ड में आपने अपना पैसा लगाना है, एज अलोंग विद कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टर गेट्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे क्या रहता है, जो आपका रिस्क फैक्टर है ना, जो आपका रिस्क फैक्टर है वो कवर हो जाता है कि हमें ये डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि इन फ्यूचर में अगर गोल्ड के प्राइसेस किसी भी क्राइसिस के कारण अगर गोल्ड के प्राइसेस में डिक्लाइन आ गया तो हमारा पैसा डूब ना जाए। हम वो रिस्क फैक्टर से कवर हो चुके हैं, जैसे कि अपने परसों वाले सेशन में पढ़ा था, 1930 के मेजर डिप्रेशन में पढ़ा था कि जो गोल्ड था ना उसके प्राइसेस में डिक्लाइन हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, ग्लोबल क्राइसिस हो गए थे। तो ये वाला अगर हम लोग सोवरन गोल्ड बॉन्ड में अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वाला रिस्क फैक्टर हम लोग प्रॉपरली कवर अप कर पाएंगे, तो ये इसका एक एडवांटेज है। बस ड्रॉबैक क्या रहेगा कि हम 5 साल से पहले इसको सेल आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक। आगे चलते स्टूडेंट्स, कहते अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज टैक्स एफिशिएंट एज नो कैपिटल गेन इज चार्ज, इवन टैक्सेस में भी हमें बेनिफिट मिल रहा है इन केस ऑफ रिडक्शंस ऑन मैच्योरिटी, ठीक है ना। अगर
बिल्कुल टाइम पीरियड के बाद हम लोग इसको मैच्योर करते हैं, तो हमें टैक्स टैक्सेस में भी काफी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है नो कैपिटल गेन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि द सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स आर अ गुड वे टू एंश्योर एन इन्वेस्टमेंट दैट डज नॉट नीड फिजिकल स्टोरेज ऑफ गोल्ड। उसको जो फिजिकल स्टोरेज ऑफ गोल्ड है, अब उसको स्टोरेज भी कहीं पे करके रखना पड़ेगा, तो वो भी हेडेक उसकी खत्म हो जाती है। क्लियर है, आगे चल सकते हैं हम लोग। अब अपनी नेक्स्ट न्यूज आती है मिटिगेट रिस्क इन द वेस्ट डिस्पोजल्स। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जनरल स्टडीज 2 पेपर के लिए। और किसने? एनजीटी, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्लियर, पढ़े शुरू करते हैं। एक मिनट, अब देखिए स्टूडेंट्स, कहते हैं द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज डायरेक्टेड ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू टेक एडिक्वेट स्टेप्स, कि भारत सरकार के साथ सभी राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को बोल दिया गया कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं टू मिटिगेट द रिस्क, ताकि जो COVID-19 के जो डिस्पोजल्स है ना, उनको अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए। बायोमेडिकल वेस्ट है जिसको बोलते हो आप लोग, जिसके अंदर आपकी इंजेक्शन आ जाएंगे, इंजेक्शन आते हैं ठीक है ना, प्लास्टिक वेस्ट आता है जिसमें कोई भी आइसोलेटेड सॉरी जो होम आइसोलेट पर्सन है उसके जो फूड जो ड्यूरिंग द मील वो प्लास्टिक यूज करता है। इवन देन आफ्टर पीपीटी किट्स को डिस्पोज ऑफ करना एक मेजर टारगेट था। तो यही किसने बताया? एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, कि हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं ताकि यहां से भी आपका वायरस स्प्रेड होने का बहुत खतरा था। ठीक है, अब बात करें, सबसे पहले ये न्यूज को आगे पढ़ने से पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि एनजीटी क्या चीज है। व्हाट डू यू मीन बाय एनजीटी? ये है क्या? इट इज अ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अ स्पेशलाइज्ड बॉडी। स्टूडेंट्स, इस चीज को जो मैं लिखवाता हूं ना एड ऑन, तो प्लीज इसको अंडरलाइन कर लिया करो। इस स्पेशलाइज्ड बॉडी सेटअप अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, 2010 के तहत ये बना हुआ है, फॉर द इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ। किस चीज को आपने डिस्पोज करना है? जैसे कि वो केसेस जो एनवायरमेंट से रिलेट करते हैं, जो एनवायरमेंट से आपके रिलेटेड रहते हैं, प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। मैं रिपीट कर देता हूं, केसेस रिलेटिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये आपकी एनजीटी आती है, आपका इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो कहते हैं, अगर बात करें, एनजीटी रेज्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अगर यहां पे देखा जाए ना, बायोमेडिकल वेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज में क्या रहा था? पीपीटी, ठीक है ना, वेस्ट बाय अनऑथोराइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। यहां पे मेंशनड है कि ओनली 1.1 लाख आउट ऑफ 2.7 लाख हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर ऑथोराइज्ड अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्रिलिम्स के लिए। एक आपको वैल्यू दे दी कि 2.7 लाख हेल्थ केयर फैसिलिटीज में से सिर्फ 1.1 लाख, मतलब आधे से भी कम, 50% से भी कम ऑथोराइज्ड हैं। किसके लिए ऑथोराइज्ड हैं वो लोग? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एक्ट के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड द पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटीज टू मेक एफर्ट्स टू ब्रिज दिस गैप टू मिटिगेट द रिस्क इन टर्म्स ऑफ अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया करें आप लोग। चले हम लोग आगे। अब आता है ये न्यूज क्यों आई। अब देखते हैं कि कर्नाटका हाईकोर्ट हैज ऑल्सो डायरेक्टेड द कर्नाटका गवर्नमेंट, तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स पास किए टू द कर्नाटका गवर्नमेंट टू टेक द स्पेशल मेजर्स टू प्रोटेक्ट सैनिटेशन वर्कर्स। जो सैनिटेशन का काम कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए,
वाइल दे कलेक्ट, कब, जब वो कलेक्ट करते हैं वेस्ट फ्रॉम हाउसेस वेयर पर्सन सब्जेक्टेड टू द होम क्वारंटाइन। याद रखना, हमने पेंडेमिक के दौरान देख लिया था, जब लॉकडाउन लगा था, कि जो आपका होम वेस्ट है उसे हम लोग डायरेक्टली बाहर थ्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल एक्ट 2019 के अंडर था ये सारा कुछ, ठीक है। तो यहां पे कर्नाटका सरकार ने अपना रोल प्ले किया था। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड अंडर द क्वारंटाइन, जो जो घर में क्वारंटाइन थे शुड बी पुट इन येलो नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स। कंसेप्ट देखिए, जो ह्यूमन बीइंग या फिर ऐसा बोल दो जो कोविड 19 पेशेंट इन्फेक्टेड था और घर में ही होम आइसोलेट था, क्वारंटाइन बोलते हैं हम जो लोग जिसको, तो उसका जो भी वेस्ट था उसको येलो नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग में हमने डालना था एंड बी ट्रीटेड एज अ बायोमेडिकल वेस्ट। अब आप लोग यहां पे देख सकते हैं, क्लियर है। वंस कलेक्टेड these waste must be disposed of as per the bio waste management rule 2016। तो इनकी जो guidelines रहती है ना उसके तहत इन लोगों ने सारे का सारा dispose of करना है। चले आगे, अब यहां पे देखते हैं waste management rule 2016 क्या बोलता है। कहते हैं objective of this rule, इसका main objective क्या है कि properly manage the per day, हर दिन का biomedical waste from the healthcare facilities across the country। Next point आता है, the ambit of the rules has been expanded to include vaccination camps, जहाँ पे even vaccinations अब लग रही हैं। तो suppose कीजिए आज अगर present day की बात करें तो अपने पास Covishield लग रही है, ठीक है ना, Covaxin लग रही है, पूरे world की अगर बात करें तो Pfizer आती है, ठीक है ना, Sputnik V आती है। तो जब ये इंजेक्शंस लग जाते हैं, वैक्सीनेशन हो जाती है ह्यूमन बीइंग के, तो जो डिस्पोजल सिरिंज रहती है उसको डिस्पोज ऑफ भी किसके तहत किया जाएगा, अंडर द वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तभी तो बोला वैक्सीन कैंप जो एट प्रेजेंट चल रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स में जो आपकी वेस्ट सिरिंजेस रहती हैं, जो आपके ब्लड बैग्स रहते हैं, सर्जिकल कैंप्स जिसके अंदर आपके मास्क हो जाएंगे, हैंड ग्लव्स हो जाएंगे, सिरिंजेस हो जाएंगे और एनी अदर हेल्थ केयर एक्टिविटी, क्लियर। ये वो होते हैं कि प्री ट्रीटमेंट ऑफ द लेबोरेटरी वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, ब्लड सैंपल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ऐसा नहीं है जो डेली बेसिस पे लेबोरेटरीज में ब्लड के सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं आफ्टर गिविंग द रिजल्ट्स, उसका क्या किया जाएगा, एंड द ब्लड बैग्स थ्रू डिसइंफेक्शन और द स्टरलाइजेशन ऑन साइट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बाय द नाको, ये क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो या तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रिस्क्राइब मैनेज के अकॉर्डिंग किया जाएगा या फिर नाको के अकॉर्डिंग किया जाएगा, वो क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं, अ बारकोड सिस्टम फॉर द बैग्स और द कंटेनर्स कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट फॉर द डिस्पोजल विल बी एस्टैब्लिश्ड। अब यहां पे बारकोड का भी हमने टेक्नोलॉजी का भी हमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लास्ट पॉइंट में बोलते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज, बायोमेडिकल वेस्ट को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अगर इससे पहले की बात करें तो 10 कैटेगरीज थी, इससे पहले की बात करें तो 10 कैटेगरीज थी, टू इंप्रूव द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्सेस, क्लियर है। एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अभी जो हमने पढ़ा ना वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ये तो नया रूल है, ये न्यू सेट ऑफ रूल है, कौन सा, बायो मेडिकल वेस्ट 2016, इसको सॉरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, इसको रिप्लेस किसने किया था, मतलब अब ये नया आ चुका है, इससे पहले कौन सा था, अगर मैं बात करूं तो इससे पहले अपना था बायो मेडिकल वेस्ट, जिसको बोला गया मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, कब बने थे ये वाले, 1998। तो मतलब वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 नया आया, किसने ये, इसने रिप्लेस किसको किया, बायोमेडिकल वेस्ट 1998, क्लियर है। आगे चलें, अब इसके अंदर एनजीडी को भी देख लेते, वैसे डिस्कस तो कर लिया है, कि एनजीडी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2010 अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010।
इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल्स ऑफ केसेस रिलेटिंग टू द, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि इसका मेन टास्क क्या है, कि एनजीटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट भी है एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपको तीन पॉइंट याद रखने हैं। पहला सर स्टूडेंट्स कौन सा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट स्टूडेंट्स, तीसरा अपने पास रहेगा नेचुरल रिसोर्सेज, क्लियर है। थर्ड पॉइंट है कि एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट्स रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट, गिविंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल थ्रेट। तो यहां पे हमारी ये न्यूज भी खत्म होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। देखिए सभी को पता है कि साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। एक बात तो ये माहौल था कि आई थिंक सो सॉरी वी थिंक सो कि शायद वॉर क्राइसिस ना हो जाए, ये वॉर ना स्टार्ट हो जाए। तो ये सारे का सारा जो न्यूज, अब ये टॉपिक शुरू है ना साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, ये काफी लंबा चलेगा और मैं काफी आराम से करवाऊंगा। इसमें काफी कई ऐसी चीजें हैं जो एड ऑन करनी है, तो पैरेलली उसको करते जाइएगा एड ऑन, क्लियर। शुरू करें हम लोग, ठीक है। ये न्यूज ऐसी है कि ये बहुत ज्यादा पेपर कवर अप करेगा, बहुत ज्यादा। अब मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले स्टार्टिंग में ही कि साउथ चाइना सी डिस्प्यूट कवर योर जनरल स्टडीज सेकंड पेपर, क्लियर है। शुरू करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि बीजिंग रीनेम्ड 80 आइलैंड्स एंड अदर ज्योग्राफिकल फीचर्स इन द डिस्प्यूटेड एरिया, ठीक है, लोकेटेड इन साउथ चाइना सी, ओके। कहते द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इन मालदीव्स, माले में जो हुई थी, वहां पे यूएस एम्बेसडर टू साउथ कोरिया अटैक द चाइना। कंसेप्ट देखिए, यूएस एम्बेसडर टू साउथ कोरिया अटैक द चाइना फॉर इलीगली बिल्डिंग आर्टिफिशियल आइलैंड्स। इन्होंने इलीगली आइलैंड्स बना लिए आर्टिफिशियल एंड मिलिट्री राइजिंग, और उन पे मिलिट्री को बढ़ा दिया इन साउथ चाइना सी। टू विच चाइना रिस्पॉन्डेड बाय, अब चाइना ने क्या आंसर दिया, दैट इट हैज इनडिस्प्यूटेड सोवरेनिटी, ठीक है ना, ओवर द, किसके ऊपर, ओवर द नंशा आइलैंड। नंशा आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेटली आइलैंड। हम लोग आज ही इसी सेशन में स्प्रेटले आइलैंड के बारे में भी पढ़ेंगे, बस थोड़ी देर वेट कीजिए, एंड द एडजेसेंट वाटर्स ऑफ द सी, क्लियर है ये स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट तक क्लियर है। अब लीजिए मैं बात करता हूं, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, व्हाट डू यू मीन बाय IOC, जिसको हमने बोला अभी कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, मैं यहां पे बोल देता हूं, कहते ये ऑर्गेनाइज्ड बाय, एक मिनट नोट डाउन कर रहे ना स्टूडेंट्स प्लीज, ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद with the government of Maldives, in association with the government of Maldives and S. Raja Ratnam School of International Studies। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें आपके लिए, इंटरनेशनल स्टडीज, इवन इसके साथ ही सिंगापुर इन माले, क्लियर, मालदीव्स। इवन हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया, अगर अब बात करें, इंडिया वॉज द फोर्थ एडिशन ऑफ IOC, क्लियर है यहां तक। ये ऑर्गेनाइज किया गया बाय इंडियन फाउंडेशंस, अब किसकी एसोसिएशंस के साथ, कई बंदे मिले होंगे, वो कौन है, गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स एंड एस राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सिंगापुर इन मालेस एंड मालदीव्स, क्लियर है यहां तक। चलें थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, कहते इवन एमिड द कोविड 19 पैंडमिक,
चाइना इज बिजी इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस इन द साउथ चाइना सी। ये हमने सभी ने देखा था कि पूरा ग्लोब पूरा वर्ल्ड COVID-19 के पेंडेमिक से बहुत ज्यादा फाइट कर रहा था, और दूसरी तरफ उसी के ऑपोजिट में चाइना अपनी पावर्स इंक्रीज कर रहा था इन द साउथ चाइना सी, मतलब डिप्लॉयमेंट कर रहा था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस टाइम द इशू इज रिगार्डिंग द टू डिस्प्यूट्स आर्किपेलागोस ऑफ। अब यहाँ पे दो डिस्प्यूट्स आ गए आर्किपेलागो को लेकर, वो कौन कौन से हैं। नंबर वन इज योर स्प्रेटले आइलैंड एंड नंबर टू इज योर पैरासिल आइलैंड। कंसेप्ट को याद रखना, नंबर वन इज योर स्प्रेटले आइलैंड एंड सेकेंड इज योर पैरासिल आइलैंड। हम लोग इसको अच्छे तरीके से देखेंगे आज ही, चलें आगे। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलते हैं, दीज आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ साउथ चाइना सी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली न्यूज है। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्लीज इसको नोट कर लेना स्टूडेंट्स। इन द मिडल, साउथ चाइना सी के बिल्कुल मिडल में ये देखने को मिलेगा। लोकेशन भी हम लोग देखेंगे, शेयर करेंगे, बिटवीन द टेरिटरी ऑफ वियतनाम एंड फिलिपाइंस। ठीक, कहते द मेन कॉज ऑफ दिस डिस्प्यूट इज द क्लेम ऑफ डिफरेंट टेरिटरीज। अब हुआ क्या कि डिफरेंट हर एक ने क्लेम कर दिया कि डिफरेंट टेरिटरीज ओवर द सी एंड टेरिटोरियल डीमार्केशन ऑफ द सी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, कहते इट इज अ सोर्स ऑफ अबाउट 10% ऑफ द कंट्रीज फिशरी। अब ये कंसेप्ट आ गया, देखो कोई ना कोई न्यूज के पीछे एक रीजन रहता है, तो मेन कंसेप्ट क्या था, 10% की फिशरी को भी इक्वायर करना, विच मेक्स इट एन एसेंशियल सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड तो क्या था, हमें क्या था कि हमें फूड सिक्योरिटी कर ली, फूड के लिए सिक्योरिटी करनी थी फॉर हंड्रेड्स ऑफ पीपल। This is also a major reason why people from the different countries are claiming their right over the sea. Even China is also considered as the most populated country of the world. तो इसीलिए तो वहां पे भी dispute था. Clear? 10% है यहां पे countries fisheries. ठीक है ना? आगे चलते third point पे. कहते the islands and the rocks. जो यहां पे islands मिले, rocks हैं, have also been a cause of dispute. Country claimed their right over the different islands. तो हर कंट्री ने बोला कि ये आइलैंड मेरा है, और ये उन्होंने अपना क्या बोला कि अपना राइट जताया कि ये आइलैंड हमारा है, हमारी टेरिटरी में आता है। ठीक है ना, विच मेक इट टफर फॉर द कंट्रीज टू ट्रेड। अब ट्रेड भी हो रहा है, सॉरी ट्रेड के लिए, ट्रेड को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे थ्रू दिस वाटरवेज। कहने का मतलब क्या, अगर कोई भी ट्रेड होता है तो वाटरवे के थ्रू होता है, अगर वाटरवे से शिप निकलती है तो रास्ते में अपने पास आइलैंड्स निकलेंगे, तो ये कंसेप्ट डायरेक्टली ट्रेड के ऊपर जा रहा है, एज इट मे लीड टू सीजिंग देयर ट्रेडिंग शिप्स। अब यहाँ पे लिख दिया सीज करना है किसको, ट्रेडिंग शिप्स को सीज करना है ना, मोनोपोली। अब अगर एक क्रक्स निकाले ना न्यूज का, तो इसके ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि ये डिस्प्यूट पड़ा एक तो मोनोपोली के लिए, सेकेंड है टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, ये तो दिख ही गया, ऊपर से फूड सिक्योरिटी। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको पता है, क्लियर है, ये एक ओवरव्यू है न्यूज का। आगे चलते हैं, कहते एक मिनट में क्लियर कर दूं। अब बोलते हैं लास्ट पॉइंट में, कहते देयर आर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड मोस्टली इन केस ऑफ वाटर बॉडीज दी जोन्स ओवरलैप फॉर द डिफरेंट टेरिटरीज। अब मैं यहां पे डिस्कस करता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, प्लीज नोट डाउन करना स्टूडेंट्स। कहते इट इज अ फॉर्मूला, इट इज अ फॉर्मूला बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज एंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन कॉन्फ्रेंस, एक मिनट, ऑन द लॉ ऑफ in 1976। प्लीज इसको अंडरलाइन करना स्टूडेंट्स कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक ऐसा फॉर्मूला है जो कंपैरिजन के ऊपर है, और किसने बनाया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ सी, जो एक समुद्र के ऊपर कानून बना था इन 1976। क्लियर है, अब मैं बात करता हूं इसके एक्टिविटीज क्या रहती है, ये क्या काम करते हैं, इसकी एक्टिविटी रहती है क्रिएशन एंड यूज ऑफ
आर्टिफिशियल आइलैंड्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, इवन उसके बाद इंस्टॉलेशंस एंड स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट सेकंड यहां पे इसकी एक्टिविटी क्या रहेगी, मेराइन साइंटिफिक रिसर्च करेगा ये, क्लियर है। अब मैं थर्ड पॉइंट यहां पे लिख देता हूं ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ पेज, मैं थर्ड पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं। ये क्या करेगा, ये आपका करेगा प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मेराइन एनवायरमेंट, क्लियर है। तो मैं यहां पे एक मिनट जूम करता हूं आप लोगों के लिए, अगर थोड़ा सा एक मिनट अगर यहां पे आपको दिक्कत आ रही है विजिबिलिटी में, तो मैं यहां पे जूम कर रहा हूं। यहां पे लिखा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज एंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ सी इन 1976। अब इसकी एक्टिविटीज की बात करें कि ये क्या क्या काम कर रहा है, ये क्रिएशन एंड द यूज ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड्स, इंस्टॉलेशंस एंड स्ट्रक्चर्स, दूसरा मेराइन साइंटिफिक रिसर्च, अब थर्ड वन इज योर प्रोटेक्शन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ मेराइन एनवायरमेंट, क्लियर। आगे चल सकते हैं हम लोग, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। यहां पे आया द सिंकिंग ऑफ वियतनामीज फिशिंग बोट, यहां पे वियतनाम की एक बोट सिंक कर गई थी इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ वियतनाम बाय अ चाइनीज शिप, किसने गिराया, चाइनीज शिप ने, नियर द पैरासल आइलैंड इज द रीसेंट एक्ट ऑफ एग्रेशन इन द रीजन, क्लियर। नेक्स्ट आता है अपने पास, कहते अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलेगा UNCTAD, वन थर्ड ऑफ द ग्लोबल शिपिंग पासेस थ्रू इट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से लगा सकते हो। इवन मैं यहां पे तो मेंस में भी बोल दूंगा कि साउथ चाइना सी में ऐसा क्या है, क्यों इतना डिस्प्यूट पड़ा वर्ल्ड को लेकर, यहां पे वन थर्ड ऑफ द ग्लोबल शिप पास करती है, दुनिया की एक तिहाई शिप यहां से पास करती है, मतलब ट्रेड यहां से चलता है, क्लियर है। अब बात करें UNCTAD की, UNCTAD, तो स्टूडेंट्स ये क्या चीज है, ये क्या है, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, बॉडी परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1964 में है। और इसका हेडक्वार्टर्स आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा, आपको इसका हेडक्वार्टर्स देखने को मिला जिनेवा में, कहां पे, स्विट्जरलैंड, क्लियर। ये हमने बात की थी यूएन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, क्लियर। चलें आगे। अब यहां पे बोला गया कि जो आपका साउथ चाइना सी है वहां से वन थर्ड ग्लोबल शिपिंग पास करती है ट्रेड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, कहते रफली टू थर्ड ऑफ द साउथ कोरियाज एनर्जी सप्लाई, जो नियरली 60% ऑफ जापान एंड ताइवान एनर्जी सप्लाई, 80% ऑफ चाइना क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम थ्रू साउथ चाइना सी, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये साउथ चाइना सी, इवन इंटरनेशनल रिलेशंस को भी लेकर आप लोग इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। यहां पे लिखा हुआ है कि टू थर्ड साउथ कोरिया की एनर्जी सप्लाई, 60% जापान की एंड ताइवान की, 80% चाइना का क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट किया जा रहा है वो साउथ चाइना सी के द्वारा ही किया जा रहा है, तो यही सी रूट हम लोग यूज कर रहे हैं, क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, तो एक मिनट जस्ट होल्ड, क्लियर कर देते हैं, यहां पे पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब देखिएगा, हमने सबसे पहले देखना है पैरासल आइलैंड, तो यहां पे डिस्प्यूट हुआ जो वियतनाम की शिप को सिंक किया गया था, बिल्कुल ठीक है, और वियतनाम कहां पे, दिस इज आवर वियतनाम। एंड सेकंड जो डिस्प्यूटेड एरिया वो अपना रहा, कौन सा आइलैंड है, वो है स्प्रेटले आइलैंड है, बिल्कुल ठीक। अब आप लोग देख लें ये ताइवान
यहाँ पे बोला गया ये हमारे अंडर आ रहा है, वियतनाम बोलता है कि दिस आर्किपेलागो जो आइलैंड है वो हमारी टेरिटरी में आता है, इवन स्प्रेटले बोलता है ये हमारे, सॉरी स्प्रेटले आइलैंड भी इनकी टेरिटरी में आ रहा है। सिमिलरली मलेशिया भी क्या करता है, टेरिटोरियल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, फिलिपाइंस भी कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर? अब मैं बात करूं अगर थोड़ा सा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर यूज करता हूँ, आपने ये लाइन देख रहे हो यहाँ पे जो मेंशन है, ये है चाइनीज क्लेम लाइन, द सो कॉल्ड 9-line, ये वाली आप देख रहे हो, दिस इज द 9-line, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे 9-line। चाइना क्लेम करता है कि मेरी जो 9-line है वो यहां से लेकर ये वाला एरिया है, तो अगर चाइना ये बोलता है कि ये दिस इज माई 9-line टेरिटोरियल, तो उसी उसके अकॉर्डिंग पैरासल आइलैंड और स्प्रिटले आइलैंड तो चाइना के भी पार्ट हो गए। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग। यहां पे लिखा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ जी, कहते अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर चले तो साउथ चाइना सी होल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्व्स ऑफ एटलीस्ट 7 billion barrels एंड एन एस्टिमेटेड 900 trillion cubic feet ऑफ नेचुरल गैस, ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग की बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बोला गया द स्ट्रेट ऑफ मलाका, कहां पे है ये, ये रहा आपका द स्ट्रेट ऑफ मलाका, किस इन बिटवीन द मलेशिया एंड सिंगापुर, याद रखिएगा बिटवीन मलेशिया एंड सिंगापुर के बीच में आपको देखने को मिल रही है स्ट्रेट ऑफ मलाका, और ये बोलते हैं कनेक्ट इंडियन ओशन, बिल्कुल ठीक है, ये रहा अपना इंडियन ओशन टू द साउथ चाइना सी, ये रहा आपका साउथ चाइना सी, और स्ट्रेट ऑफ मलाका आपको कनेक्टिविटी दे रहा है बिटवीन इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी। ठीक है ना, and is of 900 kilometers in length, तो इसकी 900 किलोमीटर की लंबाई है, and is also a prominent trade route between East Asia and West Asia Europe, मैं important mark कर रहा हूँ, ये यहाँ पे importance दिखाई गई है the Straits of Malacca की जो 900 किलोमीटर लंबाई में है वो Indian Ocean और South China Sea को connectivity दे रहा है, even East Asia और West Asia Europe को connectivity दे रहा है। clear है, यहाँ पे आपका इंडिया का रोल दिखेगा यहाँ पे, ये आपके लिए पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का रोल है यहाँ पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेवल डिप्लोमेसी इट इज अ जियोपॉलिटिकल टर्म यूज्ड टू सिग्निफाई एन इंटरनेशनल स्ट्रेट हु कंट्रोल कुड पोटेंशियली अफेक्ट द कमर्शियल ट्रांजिट। क्लियर है, कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। चले हम लोग आगे, नेक्स्ट आता है, कहते हैं इन 2016 फिलिपाइंस हैड फिल्ड एन आर्बिट्रेशन केस, फिलिपाइंस ने एक केस डाल दिया आर्बिट्रेशन केस इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, इन्होंने याचिका दायर कर दी सीकिंग टू स्ट्राइक डाउन द चाइना, चाइना के अगेंस्ट एक्सपेंसिव इन द साउथ चाइना सी, द डिसीजन फाइंडिंग दैट, जो डिसीजन आया दैट देयर इज नो लीगल बेसिस टू क्लेम हिस्टोरिक राइट्स, कहने का मतलब क्या है कि चाइना यहां पे हिस्टोरिक राइट्स को क्लेम करता है, इसलिए वो बोलता है कि जो मेरी 9-line इस डायग्राम में हमने देखी थी ना, ये वाली जो बोलता है कि ये मेरी जो हिस्टोरिक लाइन यहां पे है तो ये मेरा हिस्टोरिकली है तो इसलिए मैं यहां पे क्लेम कर रहा हूं, बट फिलिपाइंस ने जब एक आर्बिट्रेशन केस डाला परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में तो उन्होंने फाइंडिंग्स निकाली कि नो लीगल बेसिस टू क्लेम हिस्टोरिक राइट्स टू आइलैंड इन द साउथ चाइना सी एंड द 9-line इज inconsistent with conviction on the laws of the sea. अब अगर बात करें, एक मिनट, what do you mean by 9-line? 9-line. इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कहते हैं ये है क्या, stretches hundreds of kilometer south and east of China. ये बहुत लंबी फैल रखी है साउथ चाइना और ईस्ट चाइना में, मतलब क्या रहेगा, साउथ एंड ईस्ट ऑफ चाइना, साउदर्ली हेनियन आइलैंड के पास भी है आपकी, कौन सा आइलैंड है, हेनियन, एक मिनट मैं यहां पे थोड़ा सा और बेटर वे से लिख देता हूं, जस्ट वेट, हाँ जी, कौन सा आइलैंड रहेगा, हेनियन आइलैंड कवरिंग, अब इसने किसको कवर कर लिया, कवरिंग द पार्सल, कौन सा आइलैंड था, पैरासल आइलैंड एंड स्प्रेटले
आइलैंड। अभी हमने देखा तो था ये डायग्राम के अंदर, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो हमने अभी लिखा वो हमने देख भी लिया था कि पैरासल आइलैंड और स्प्रेटले आइलैंड को इसने कवर कर लिया 9 डैश लाइन के लिए, ठीक है ना। और अगर बात करें हिस्टोरिकली की, यहाँ पे हमने देखा था ना कि कोई हिस्टोरिकली हम लोग राइट्स यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। चाइना क्या बोलता है कि उसका यहाँ पे चाइना क्लेम्स है यहाँ पे वो 2000 साल से है, 2000 ईयर्स से है, ठीक। अब आगे बोला गया द साउथ चाइना सी, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पॉइंट में स्टूडेंट्स, हैज मोर देन अ डजन ओवरलैपिंग ये क्या रहेगा आपका इकोनॉमिक जोन्स। कौन से इकोनॉमिक जोन्स रहेंगे, अभी हमने डिस्कस किया था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो आपके प्रोटेक्शन प्रिजर्व करेंगे, जो क्रिएट करेंगे आर्टिफिशियल आइलैंड्स को उसको इंस्टॉल करना और मेराइन साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर जो आपकी एक्टिविटीज करते हैं, तो ठीक है। तो ये हैं आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन अकॉर्डेंस विद द 1982 कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है। ये क्या चीज रहती है, एक मिनट यहां तक नोट डाउन कर लेना प्लीज, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब मैं बात करूं UNCLOS की, ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट सेट्स आउट इंपॉर्टेंट मैरिटाइम रूल्स, क्लियर है। हम लोग इसको और भी क्या बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ द सी, इवन यहां पे मेंशन किया हुआ है लॉ ऑफ द सीज, ठीक है, लॉ ऑफ द सी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, एक मिनट, सी कन्वेंशन और द लॉ ऑफ सी ट्रीटी इज द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट है दैट रिजल्टेड आउट ऑफ द थर्ड United Nations Conference on the Law of the Sea। किसकी बात की है सर, ये है स्टूडेंट्स आपका United Nations Convention on the Law of Sea की हम लोग स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। इवन यहां पे mentioned भी है, यहां पे एक मिनट, कहते as per the UN clause countries in the exclusive economic zone can explore oil, मिनरल रिसोर्सेस को निकाल सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूडिंग रिसोर्सेस अंडर द सी, सी बेड एंड सब सॉइल्स, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। तो ये रहा आपका 9 डैश लाइन। तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया पैरासल आइलैंड आ गया, और ये आ गया आपका स्प्रेटले आइलैंड, क्लियर। अब मैं बात कर लू स्प्रेटले आइलैंड की, कहते द स्प्रेटले आइलैंड आर लार्जली अनइनहैबिटेड बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे मे हैव अ लार्ज रिजर्व्स ऑफ अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्स। दिक्कत तो यहां पे आ गई ना कि नेचुरल रिसोर्स का शायद यहां पे भंडार मिल सकता है, रिसोर्सेज हैं। ड्यू टू द ऑनगोइंग डिस्प्यूट देयर हैव बीन फ्यू इनिशिएटिव्स टू एक्सप्लोर द स्केल ऑफ दीज रिजर्व्स, बिल्कुल ठीक। 1970 में ऑयल वॉज डिस्कवर्ड इन द नेबरिंग आइलैंड स्पेसिफिकली ऑफ द कोस्ट ऑफ पलावन, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि इसका एक नेबर आइलैंड है, स्प्रेटले आइलैंड के पास एक नेबर आइलैंड है, वो है आपका कौन सा आइलैंड, वो है द कोस्ट ऑफ पलावन, और यहां पे आपका क्या लिखा ऑयल, क्लियर। और यहां पे दिस डिस्कवरी रैम्ड अप द टेरिटोरियल क्लेम्स बाय दीज कंट्रीज, क्लियर है यहां तक, चले आगे। अब आता है पैरासल आइलैंड की बात करें तो पैरासल आइलैंड डिस्प्यूट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन द स्प्रेटले आइलैंड, कहते दिस आर्किपेलागो इज लोकेटेड इन साउथ चाइना सी, बिल्कुल ठीक है, ऑलमोस्ट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम चाइना एंड वियतनाम, जितना दूर ये चाइना से है उतनी ही दूरी पे ये वियतनाम पे है। बीजिंग क्लेम द आर्किपेलागो एज अ पार्ट ऑफ चाइना, बीजिंग बोलता है ये चाइना का हिस्सा है, सोवरेन टेरिटरी है, by referring to the 14th century writing from the Song dynasty, Song dynasty जो 14th century में थी, तो उन्हीं तो उसका ये proof देता है बीजिंग, क्लियर है, इंपॉर्टेंट ये वाला।
नेक्स्ट आता है कहते हैं वियतनाम। अब वियतनाम क्या बोलेगा, वियतनाम भी क्लेम करता है इस आर्किपेलेगो पे बाय रेफरिंग टू टेक्स्ट ऑफ 15th सेंचुरी व्हिच शोस दैट द आइलैंड वर पार्ट ऑफ टेरिटरी। चाइना यूज करता है 14th सेंचुरी सोंग डायनेस्टी का टेक्स्ट एज अ प्रूफ, और वियतनाम प्रूफ करता है 15th सेंचुरी के टेक्स्ट एज अ प्रूफ, ठीक है ना। अब बात करें द कॉलोनियल पावर्स हैड फर्दर एक्सेलरेटेड द टेंशंस विद रिगार्ड टू द पैरासल आइलैंड ड्यू टू देयर कॉलोनियल पॉलिसीज इन द 20th सेंचुरी। क्लियर है यहां तक? तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक। चलें आगे, अब बात करें इसी के लिए कहते चाइना हैज बीन चेंजिंग द साइज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ रीफ्स बाय मॉडिफाइंग देयर फिजिकल लैंड फीचर्स। आप देख ही सकते हो चाइना ने इसके फिजिकल लैंड फीचर्स को कैसे चेंज कर दिया, इवन यहां पे एयर स्ट्रिप भी बना दी। दिस इज योर कौन सा आइलैंड है, दिस इज योर पैरासल आइलैंड, ठीक है ना। चाइनीज फिशिंग फ्लीट्स आर एंगेज्ड इन द पैरामिलिट्री वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट रेदर देन द कमर्शियल एंटरप्राइज ऑफ फिशिंग। क्लियर, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वन। आगे चले, कहते द यूएस इज वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस बिल्डिंग ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड। यूएस काफी सीरियस है ये आर्टिफिशियल आइलैंड को लेकर एंड टर्म्स दीज एक्शंस ऑफ चाइना एज बिल्डिंग अ ग्रेट वॉल ऑफ सैंड। तो यूएसए ने इसको क्या बोल दिया, क्या नाम दे दिया, चाइना एज बिल्डिंग अ ग्रेट वॉल ऑफ सैंड। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक। अब आगे देखते हैं, कहते दिस has drawn criticism from neighboring countries and other western powers. Vietnam ne kya kar diya, Vietnam has recently launched a complaint, Vietnam ne fir se complaint launch kar di United Nations stating that China had illegally sunk a fishing trawler near the Paracel Island, jo recently China ne kiya hai. 1919 mein Taiwan jumped into the fray laying its claim over the entire Pelagos, archipelago. Taiwan ne bhi claim kiya tha 1999 mein. Since 2012, China, Taiwan, Vietnam have attempted to reinforce their claim on the territory. तब से आज तक ये claim करते हैं ये हमारी territory है। दो islands को लेकर, Paracel Island और Spitzbergen Island, ठीक है? कहते हैं they have been engaged in construction of government administrative buildings, tourism, land and reclamation initiatives. Clear है? तो friends, यहाँ तक मैं आज का session over करता हूँ। किसी को कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, हम इसी तरीके से हर एक न्यूज को आगे फर्दर ऑन कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।